दोस्तों कहते हैं समंदर की गहराइयों में सबसे ज्यादा अनोखे और हैरान करने वाले जानदार रहते हैं। हमारी जमीन का 70% हिस्सा इस बड़े समंदर से घिरा हुआ है और हम सिर्फ इस समंदर के 10% हिस्से का ही ठीक से पता लगा पाए हैं। जरा सोचिए बाकी 60% हिस्से में कितने ही अनोखे और अजीबोगरीब जानदार होंगे जिनके बारे में अभी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इन्हीं अजीबोगरीब जानदारों में कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो खुद को ही एक्सप्लोर करके उड़ाना जानते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फीमेल ऑक्टोपस। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रेगनेंसी एक नाजुक सूरतेहाल होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। हर मादा के लिए इस वक्त से गुजरना काफी मुश्किल होता है। कुछ जानवरों के लिए तो ये घड़ी मौत से कम नहीं होती। ऑक्टोपस जो आजकल जुबान ज़दे आम है, इनके लिए भी ये वक्त खुद की जान लेने से कम नहीं होता। समुद्र में रहने वाले ये जानवर बहुत ही शानदार होते हैं। ये जानवर स्मार्ट तो होते ही हैं, इसके साथ साथ ये बहुत ही जहीन भी होते हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये वक्त के साथ साथ अपना रंग, स्किन टेक्सचर और अपने जिस्म की बनावट को बदलना जानते हैं। हालांकि ये जानवर देखने में तो बहुत ही पुरकशिश लगते हैं, लेकिन जानवरों की इस किस्म में जब मादा प्रेग्नेंट होती है तो ये इंसान को खूबसूरत लगने के बजाय डरा भी सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो हम आपको बता दें कि ये उन चुनिंदा जानवरों में शुमार होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बच्चे देती हैं और उसके बाद मादा मर जाती है। अब कुदरत ने इस जानवर के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की है ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस जानदार की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है, या यूं कहें कि खुदकुशी होती है। दरअसल मादा ऑक्टोपस अंडे देने और उनके हैच होने के बाद शिकार करना और खाना छोड़ देती है। ऐसे में वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। सबसे पहले जानवर अपने टेंटिकल्स को खाने लगते हैं, उसके बाद मादा अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को फाड़ना शुरू कर देती है। ऐसी सूरत हाल में जिन ऑक्टोपस को टैंक या एक्वेरियम में रखा जाता है तो वो भी टैंक की दीवारों पे अपने सर को मार मार कर खुद की जान ले लेते हैं, या फिर एक बार में ही अपने सर को एक्सप्लोड करके अपने सर के चिथड़े उड़ा देती है। इतने शानदार और खूबसूरत जानवर की ऐसी बेरहम मौत बहुत ही दुख भरी है। मदर नेचर ने इस जानवर को खुद के लिए इतना बेरहम क्यों बनाया है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। व्हेल। अगर आपको कभी समुद्र के किनारे मरी हुई व्हेल मछली दिखे तो समझ आए कि वहां से दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपके उसके पास जाने पे ये मछली फट जाए और आप उसे देखना ना चाहें। अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें व्हेल का जिस्म फटता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल मछली का जिस्म बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से मरने के बाद इसके जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया मेथीन गैस को बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में बनने लगती हैं और मरने के बाद व्हेल की खाल सख्त होने की वजह से ये गैसेस जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बनता रहता है। ऐसी सूरत हाल में जब गैस बहुत तेजी से बाहर आती है तो जाहिर सी बात है धमाका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। वैसे इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए वक्त के साथ ही इसके पेट को काट दिया जाता है ताकि इस तरह की परेशानी से बचा जा सके। जेलीफिश। समुद्र की दुनिया के सबसे अनोखे और उतने ही खूबसूरत जानवरों में से एक जेलीफिश बहुत ही खतरनाक जानदार है जिसके सिर्फ छूने से ही आपको बेहद दर्द से गुजरना पड़ सकता है। समुद्र की दुनिया में ये जानदार अपने दर्दनाक स्टिंग से लोगों को जख्मी करने की ताकत रखता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फीचर के अलावा भी जेलीफिश में एक और खूबी पाई जाती है जिसके चलते वो खुद को एक्सप्लोड यानी धमाके से उड़ा सकती है। दरअसल जब जेलीफिश के ग्रुप में कोई बड़ा शिकारी हाथ मारने आता है तो इसका शिकार करने के लिए एक जेलीफिश को कुर्बानी देनी होती है ताकि ग्रुप के बाकी मेंबर्स को खाना मिल सके। जान की कुर्बानी देने के लिए जेलीफिश अपने जिस्म को अंदर की तरफ सुकड़ना शुरू कर देती है और शिकार के करीब आकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिकदार से एक स्पार्क जनरेट करती है। ये स्पार्क एक शॉक वेव बनाता है जिससे जेलीफिश फटकर मर जाती है और उस हमले में जेलीफिश का शिकार भी मर जाता है। अपनी फैमिली के लिए खुद की जान लेने का ये तरीका बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उन्हें ऐसे करना पड़ता है। मेल एंगुलर फिश। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली एंगुलर फिश की। एंगुलर फिश बोनीफिश स्पीशी की मछली है जो दूसरे समुद्री जानवरों को अपना शिकार बनाने में माहिर है। इस स्पीशी के मेल एंगुलर फिश फीमेल को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए अपने सर पर मौजूद गैलेक्सी वेव वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मेल एंगुलर फिश के सर पर रोशनी पैदा करने वाला एक हिस्सा होता है जिसको ल्यूर कहा जाता है।
एंगलर फिश का ल्यूर एक अलग तरह के बैक्टीरिया से भरा होता है जिसके चलते ये खुद अपनी रोशनी बना पाता है और ज्यादा से ज्यादा मछलियों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है ताकि मादा फिश इन्हें अपना शिकार बना सके। एक बार शिकार के करीब आने पर फीमेल एंगलर फिश हमला करके इन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती है। हालांकि शिकार करने का ये तरीका आपको क्रूड लग सकता है, लेकिन इसका ये अमल इसकी प्रेगनेंसी के अमल के आगे तो कुछ भी नहीं है। दरअसल इस स्पीशी में मेल फिश मादा के मुकाबले में बहुत ही छोटे होते हैं और हैश होने के बाद से ही अपने पार्टनर की तलाश में निकल जाते हैं। ये अपनी लाइफ का ज्यादातर वक्त और एनर्जी अपने साथी की तलाश में गुजारते हैं और एक बार जब वो मिल जाते हैं तो मेल एंगुलर फिश एक पैरासाइट की तरह मादा फिश से चिपक जाते हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये सूरतेहाल काफी चौंका देने वाली होती है क्योंकि एक बार अगर मेल एंगुलर अपने फीमेल साथी से चिपक जाते हैं तो इसके टिश्यूज भी फीमेल के टिश्यूज में पिघलने लगते हैं और दोनों के टिश्यूज मर्ज होकर एक बन जाते हैं और यहाँ तक कि इन दोनों साथियों के ब्लड वेसल्स और इनके जिस्म के बाकी हिस्से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेल एंगुलर कुछ नहीं करता और शिकार को पकड़ने की सारी जिम्मेदारी मादा के हाथ में आ जाती है। मेल एंगुलर अपने ल्यूर की मदद से शिकारियों को अपनी तरफ खींचता है जबकि मादा इनका शिकार करती है और एक तरह से मादा नर को अपने जिस्म में ही पालती है। मेल एंगुलर भी अपने जिस्म के सारे हिस्सों को मादा को दे देता है। ऐसे में जब मीटिंग का वक्त आता है तो नर एंगुलर फिश अपने स्पर्म मादा के अंदर रिलीज करता है और बाकी की सूरत हाल का ध्यान ये फीमेल एंगुलर फिश ही रखती है। स्नैपर फिश। गहरे पानी में रहने वाली इस मछली में कुछ बेहद अजीब है जो इसे दूसरे जानवर से बहुत ही अलग बनाता है। हर साल फिशर्स के कांटों में फंसकर डीप सी स्नैपर फिश की जान चली जाती है। इन्हें बहुत एहतियात से पकड़कर जल्दी से पानी में छोड़ने के बाद भी ये मछली बड़ी आसानी से मर जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्नैपर फिश कितनी नाजुक होती है। इसके अलावा इस फिश की बनावट बहुत ही अलग है। देखने में लगता है कि मानो इसका पेट इसके मुंह में आ गया हो। इसके अलावा इस जानदार की आंखें सर से बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, जो इन्हें देखने में बहुत ही अजीब और डरावना बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मछली इस तरह की दिखाई देती क्यों है? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक फेनोमेना है जिसे बोरोट्रोमिस कहा जाता है, जो डीप सी फिश में पाया जाता है जिनके मुंह में इनका ब्लैडर स्विम होता है। ये ब्लैडर एक तरह का इंटरनल बलून होता है जो इसके जिस्म को पानी के अंदर तैरने में मदद देता है। लेकिन जैसे ही इस मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है इसके ब्लैडर फूलने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में ये ब्लैडर इतने ज्यादा फूल जाते हैं कि मछली के सतह तक पहुंचने में ही वो मर जाती है। इस सूरत हाल में इसके अंदर के हिस्से फट जाते हैं और इसका जिस्म देखने में काफी डरावना लगता है। एक्सप्लोडिंग वॉर्म। जानदारों की ये किस्म भले ही आपको पसंद ना हो लेकिन पानी में पाए जाने वाले वॉर्म जमीन पर पाए जाने वाले जानदारों से बेहद अलग है। अलग से मुराद बनावट नहीं है बल्कि इनमें पाए जाने वाले फीचर्स हैं। दरअसल समंदर की गहराई में रहने वाले वॉर्म्स फटना जानते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है ये तो वही जाने, लेकिन इस वीडियो में देखिए जो मेक्सिको में रात को डाइव करते हुए बनाई गई है। इस वीडियो में वॉर्म के इतने बड़े ग्रुप में ये आम केंचुओ की तरह ही इधर उधर रेंगते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक इसमें कुछ फटते भी नजर आ रहे हैं। फटने के बाद इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा पानी में बाकी नहीं रहता। ऐसे में सवाल उठता है कि इनके ऐसे फटने में कौन सा फेनोमेना जिम्मेदार है। Another exploding octopus। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ये ऑक्टोपस बहुत ही होशियार जानदार है। इस स्पीशी की मादा भले ही प्रेगनेंसी के बाद खुद को एक्सप्लोड करके अपनी जान लेती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने आप को दूसरे जानवर से बचाने के लिए ये जानदार इस टेक्निक का सहारा लेते हैं। दरअसल समुद्र की गहराइयों में या टैंक्स में जब इस जानवर को इंसान या दूसरे जानवर से खतरा होता है तो ये अपने जिस्म से एक काली स्याही निकालता है और ये आसपास के पानी को पूरी तरह से काला कर देता है, जिससे अमूमन इसके शिकारी डर जाते हैं। जब तक कि वो इस टेक्निक को समझ पाते हैं तब तक ये ऑक्टोपस चलाकी से वहां से गायब हो जाते हैं। ये इस जानदार की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक है जिसकी मदद से ये जानदार खुद को खतरे से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे समुंदर के कुछ अजीबोगरीब जानदार जिनके फीचर्स आपकी और हमारी समझ से कहीं अनोखे हैं। आपको इनमें से सबसे अनोखा जानदार कौन सा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।